नमस्कार, आज तारीख है 28 नवंबर 2022 और समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों के बारे में जानने का चाय की चुस्की के साथ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने रविवार को राहुल गांधी को बेवकूफ कहा। राहुल गांधी की वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी को लेकर ठाकरे ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि यू इडियट, सावरकर पर बोलने के लिए आपकी हैसियत नहीं है। ठाकरे ने कहा कि सावरकर ने उस दौरान जो किया वो उनकी रणनीति का हिस्सा था। दरअसल 17 नवंबर को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सावरकर अंग्रेज़ों के नौकर बने रहना चाहते थे और साथ ही डरकर माफ़ी भी उन्होंने मांगी थी। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला का आज फिर एक बार पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। ये टेस्ट दिल्ली के रोहिणी स्थित FSL में होगा। इसमें श्रद्धा की हत्या से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। पुलिस का खास सवाल श्रद्धा के सिर को लेकर रहेगा क्योंकि अभी तक लड़की का सिर नहीं मिल पाया है। इससे पहले आफताब के 3 टेलीग्राफ टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक आफताब से 40 सवाल पूछे जा चुके हैं। ये सभी टेस्ट पूरे होने के बाद 5 दिसंबर को आफताब का नार्को टेस्ट होगा। चीन में एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग इसके खिलाफ विरोध में नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इस्तीफा मांग रहे हैं। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने के लिए लगाई गई पाबंदियों को तोड़ दिया है और अब बड़ी तादाद में लोग शहरों और यूनिवर्सिटी कैंपस में सड़क पर उतर आए हैं। लोगों के प्रदर्शन के दौरान कहना था कि हमें कोरोना टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, हमें आज़ादी चाहिए, हमें डिक्टेटरशिप की बजाय डेमोक्रेसी चाहिए। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में कल शाम एक होटल में आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन अल शबाब ने ली है। यह हमला राष्ट्रपति भवन के पास विला रोज होटल में हुआ। इस हमले में पर्यावरण मंत्री हिरसी बाल बाल बचे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आंतरिक सुरक्षा मंत्री मोहम्मद अहमद इस हादसे के बाद घायल हो चुके हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कल जर्मनी और स्पेन के बीच हुआ हाई वोल्टेज मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। स्पेन के लिए 62वें मिनट में एल्वारो मोर्टा ने गोल दागा, वहीं जर्मनी के लिए 83वें मिनट में निकोलस फुलक्रूज ने स्कोर किया। मैच के बाद स्पेन ग्रुप ई के टॉप पर बना हुआ है जबकि जर्मनी 1 पॉइंट के साथ आखिरी नंबर पर है। इसी के साथ जापान 3 अंक के साथ दूसरे और कोस्टा रिका 3 अंक के साथ तीसरे नंबर पर बना हुआ है। तो ये थी देश दुनिया की आज की 5 बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी चाय की चुस्की और देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। साथ ही सर्दी बढ़ चुकी है तो ऐसे में कंबल और ठंड के कपड़े निकालने का समय आ चुका है। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।